पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 100 इंडेक्स 788 पॉइंट्स बढ़कर 86,846 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। मजीद जान लेते हैं, सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान आलम, आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मार्केट में बूम आया है। फवाद, देखिए माशी खबरों पे तो स्टॉक मार्केट चलती है बिल्कुल, लेकिन पॉलिटिकल एंड से आने वाली खबरों पे भी बड़ी गहरी नज़र रखती है। हमने ये देखा कि आईनी तरमीम की जब मंजूर हुई है उसके बाद कल मार्केट ने 800 पॉइंट्स का अपसर्ज दिखाया, 800 पॉइंट मार्केट बढ़ी और उसके बाद आज मार्केट 700 पॉइंट बढ़ चुकी है। यानी आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद 1500 पॉइंट्स का मार्केट में इजाफा हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन यूसुफ, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। अमीन साहब, ये बताइए कि मार्केट में ये तेज़ी की वजह और मार्केट बुलंद तरीन पर पहुंचने की क्या वजह है? देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि 26 अमेंडमेंट जो भी, उसकी वजह से भी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक लग रहा है कि गवर्नमेंट आगे रहेगी और काम करेगी। वैसे भी अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट भी एक इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में कम होगा और 2% होगा, इसके बाद भी 2% होगा, क्योंकि जो यील्ड बता रही है 13%, तो उसका मतलब है 4% का आपने गिरावट आनी। वो जो पैसा फिक्स में पड़ा हुआ आप देख रहे हैं वो मूव हो रहा है। अच्छे स्टॉक्स जिनमें मल्टीपल जो ब्लू चिप्स आइटम है उनमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी बाइंग हो रही है। अगर आप एनालिसिस करें, कुछ आइटम जो 100% डबल हो गई हैं, अगर आप 125 पे कोई स्टॉक्स ट्रेड हो रहा तो 250 पे ट्रेड हो रहा है। तो यही वजह है कि मार्केट में इन्फ्लोज है, लोग आके काम कर रहे हैं और प्लस आप देखेंगे आने वाले दिनों में फॉरेनर्स भी आप देखेंगे, वो भी एक्टिविटी नजर आएगी और इन्फ्लोज भी आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, तो मार्केट और ऊपर बढ़ सकती है। जी, यही कहा जा रहा है कि मार्केट आने दिनों मजीद नए रिकॉर्ड बना सकती है। बहुत शुक्रिया आपका।